के लोकसभा चुनाव में मुंगेली में बूथ एजेंट रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता की एट्रोसिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने से कांग्रेसियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने इस मामले को लेकर प्रशासनिक आतंकवाद का आरोप भी लगाया है। कांग्रेसी पदाधिकारियों ने मामले में कार्रवाई करने वाली अधिसूचित जनजाति जाति कल्याण शाखा के प्रभारी डीएसपी मोनिका सिंह परिहार पर कांग्रेसी पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार एवं सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। नाराज कांग्रेसियों ने एसपी से लेकर गृहमंत्री और सीएम भूपेश बघेल से मामले की शिकायत की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता मकराल यादव को भतरी बूथ केंद्र में बूथ एजेंट बनाया गया था। इस दौरान मकराल यादव ने बीजेपी के पूर्व विधायक चौबा दास खांडेकर व उनके साथियों पर अपहरण मारपीट के केस दर्ज किया था। वहीं पूर्व विधायक ने भी कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ एट्रोसिटी के तहत केस दर्ज किया था। अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनको यही तमीज नहीं है कि जनता के साथ आमजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस बात को लेकर के आज हम सब लोग इकट्ठे हुए और अपनी पीड़ा और अपनी बात एसपी साहब को हमने बताया।